सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली गाइज, ये देख सकते हो फॉग कितना घना वाला है। और आज मैं G20 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो गुड़गांव से, बिकॉज ऑफ रीज़न मेरी आज GoPro की बैटरी चार्ज नहीं थी। सो अभी जितना भी रास्ता मैंने पीछे का कवर किया है वो किया है मैंने चार्ज करते हुए। भाई इंट्रो बनाने दो, बनी भाई बनाने दो, भाई बनाने दो। हाँ ओके, सो ये जितना भी आप ये BMW के बाद का सारा लाइनअप आप लोग देख पा रहे हो, मैं काउंट करवा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 राइडर्स, 15 से भी ज़्यादा ही है, आई थिंक सो 15 से ज़्यादा है, 16 के समथिंग है, 16 राइडर हमारे टोटल जो है, जिसमें हमारी एक न्यू जो है कावासाकी निंजा 300 है, जो कि हमने आप लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियो में मेरे देखा होगा, जिसमें मैंने उसके डिलीवरी पे गया था, अपने रतन भाई ने ली थी। सो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक ब्रो, मज़ा आएगा अब इसके साथ राइड करके। चलो यार एक बार थोड़ा सा ओवर ओल्यू, भाई ने इसके ऊपर PPF वगैरह करवा लिया है। अरे बनाने दो यार वीडियो यार। तो यहाँ पर लिखवा लिया नाम, PPF करवा ली है, ज़बरदस्त लग रही है। 15,000 में PPF पे लगे भाई, मोटी बात चीत कह सकते हैं। और ये न्यू एरोक्स हमारे ग्रुप के अंदर आई है देखने के लिए, कितनी बल्की लग रही है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। अगर मौका मिला तो इसको आपको ओवरऑल रिव्यू भी दूंगा और एक राइडिंग रिव्यू भी दूंगा। और ये मोहित भाई अपने, और मोहित भाई व्हाट्सअप ब्रो, बढ़िया आज राइड करनी है तगड़े वाली, चलो। और ये रहे हमारे ब्रो, कैसे हो ब्रो, और कहाँ गए सारे ब्रो। अच्छा यहाँ बन रही है वीडियो, बनाओ बनाओ भाई। ये रहे हमारे राज भाई फ़ोटो क्लिक करते हुए ग्रुप के साथ, क्या हाल है भाई, बढ़िया एंजॉय। और ये रहे हमारे नितिन भाई दोबारा से इंट्रो लेते हुए, ओहो हो आज तो मज़ा आ गया टैग के साथ, जय श्री राम के, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, बिल्कुल। और ये रही नितिन भाई की स्कूटी, वो रही यार सबकी एंटो की अच्छी लगती है, तो समझ नहीं आता किस भाई की किसकी है। और वो रही अपने अज्जू भाई की स्प्लेंडर, ये रही MT यामा MT, बड़ी ज़बरदस्त बाइक है भाई। ये इन भाई की है, इनसे भी मिलते हैं, क्या हाल है भाई, बढ़िया राइड करके मज़ा आएगा आपको भी, बिल्कुल बिल्कुल कैरी ऑन यार ब्रो, अभी और मज़ा आने वाला है, चलो आगे। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे राज भाई की स्कूटी ये है, हैं अरे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं भाई, अपने भाई हैं भाई, इनके तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारी भाई है जान है यार, ऐसे कैसे यार। चलो यार राइड करो, ये स्टिकर मिल गया भाई को, और ये स्टिकर लगाओ, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना XP Throttle करके है, और इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो कर लेना, ID मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है ना भाई। कितने का है, 50 रुपये का, 50 तो नहीं है मेरे पास, चलो एक काम करो रुको इधर आओ तो मुझे, ठीक है या आप ऐसे ही रख लो, जाओ। तो ये रही हमारी नितिन भाई की स्कूटी, स्कूटी कह रहा हूँ सॉरी बाइक। और ये रहे एक न्यू सब्सक्राइबर थे, उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती थी, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ, ये उनकी स्कूटी है। और ये तो भाई अपने ग्रुप से थोड़ा हट के है, बट हाँ हमारी नहीं है है वो 8:41 हो गया, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही सुबह के 7-8 बज रहे हैं, जिस हिसाब से अभी ये देखो ये धुएँ जैसा कोहरा हो रखा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं हाईवे मसाला किंग, वहाँ पर हम लोग जा कर के कम्प्लीट करेंगे अपनी राइड को, और तब तक जो एन्जॉयमेंट है वो आप लोगों ने पूरा इन्जॉय करना है और मज़े करने हैं, और वीडियो को छोड़ना नहीं है, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि यार लाइनअप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो एन्जॉय भी उसी तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाने वाला है। तो भैया बने रहो वीडियो के साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए यार ये देख रहे हो फॉग कितनी गंदी तरीके से हो रखी है, वाह यार धुआं ही धुआं हो रखा है बिल्कुल ही। ये सारा हमारा लाइनअप लग चुका है, फ्लैग ऑफ होएगा और निकल जाएंगे गोली की रफ्तार से, जय श्री राम, बिल्कुल जय, लेट्स गो श्री राम। चलो 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 ब्रो, चलो चलो चलो, धीरे 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 हम लोग
मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लोकेशन से। अरे वाह क्या साउंड आया है, देख रहे हो ZX10R का, ZX10R है ये। मेरे को आवाज़ सुन के आइडिया लग जाता है, वो देखो कहाँ से निकल के गए, गोली की रफ्तार से साइड से गए वो और सीधा आएंगे निकल के हवा की तरह। कुल ज़ीरो विजिबिलिटी लग रही है इस टाइम के लिए, विजिबिलिटी बिल्कुल कम की कम है। अगर हमने यहाँ पे भगाने की कोशिश करी और गलती से कोई आगे आ गया तो ऐसे चीथड़े उड़ जाएंगे ना रोड के ऊपर। बट आई होप सो सब अभी के लिए सेफ राइड करें और अच्छे से चले। चलो 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 भाई चलो चलो, वाह यार मज़ा आ गया राइड करके। इतनी फॉग के अंदर राइड करना इजी नहीं है यार, मतलब कि गदर वाली यार, ऐसे लग रहा बादलों में चल रहे हैं। नहीं इस तरीके की मुझे फील आ रही है राइट नाउ में। ये देखो ये बोर्ड के पिछले वाला एरिया बिल्कुल, जो सारी बिल्डिंग्स दिखती थी यहाँ मॉल दिखता था और मॉल बिल्कुल गायब हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इसके पीछे मॉल है बट मॉल एक्चुअल में नहीं दिख रहा। इसके पीछे DLF की बिल्डिंग है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है बट वो कुछ भी नहीं दिख रहा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉग है राइट नाउ के लिए। वाह यार बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसके जस्ट पीछे बिल्डिंग है, आप लोग हिसाब लगा लो कितना ज़्यादा फॉग है। ये देखो हल्की हल्की दिख रही होगी कैमरे में शायद से, ये देखो मतलब विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम है। आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि मेरे से 100 मीटर दूर की भी बिल्डिंग नहीं दिख रही है मुझे। वाह यार ये देख रहे हो ये फॉग ना ऐसे मेरे को चिल्ड कर रही है मेरे मत्थे को, और मैं सही बताऊं तो ऐसा ऐसा मतलब मॉइस्चर आ रहा है ना मेरे हेलमेट के अंदर, मेरे माइक के पास ऐसा मॉइस्चर आ रहा है कि मेरा माइक मेरे को लग रहा है पानी से ख़राब ना हो जाए। मेरे को डर भी लगता है, तभी मैं वाइज़र भी बंद नहीं कर रहा ताकि ज़्यादा मॉइस्चर ना आए, क्योंकि वाइज़र बंद कर दूँगा तो अंदर हीटिंग से मॉइस्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम स्लोली स्लोली कवर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड कवर करना थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तो अभी हम स्पीड जो है 40-60-70 हद से हद कवर कर रहे हैं, 70 से ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम हो रही है। सब अपना ग्रुप है। ओई होई 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 होई, क्या ठंड है भाई साहब, कतल वाली। ओई होई क्या बात है, अभी तक मैंने 5 से 6 किलोमीटर कवर किया और ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है राइड कर पाना। ये इतने मोटे वुलन वाले ग्लव्स है ना, बट उसके बावजूद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। ओए ओए यार ये एक्सपीरियंस ना लाइफ का, कहते हैं ना जिसे कहते हैं एडवेंचरस वाला एक्सपीरियंस होता है, उस तरीके का एडवेंचरस वाला एक्सपीरियंस है मेरा पहली बार का ऐसा कि इतना ठंड में मैंने राइड करी है। कुछ लोग इसको पागलपन बोलेंगे बट हाँ भैया मज़ा तो इसी चीज़ों में आता है भाई, एडवेंचर अतरंगी चीज़ों करने में मज़ा आता है मुझे भाई, और वो मैं कर रहा हूँ तो भाई खुश भी हूँ। भाई साहब चेक करो, ऐसे लग रहा है श्रीनगर में आ चुके हैं भाई, क्या गदर वाली फॉग हो रखी है। भाई साहब अल्टीमेट यार, अल्टीमेट अल्टीमेट, अब देख लो विजिबिलिटी और ज़्यादा घट गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 50 से 70 मीटर तक की दूरी पे, इसके बाद जो है विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जा रही है हमारी निंजा ग्रुप के अंदर जो चल रही है, वाह यार उसके अंदर तो पावर इतनी गदर वाली है कि भैया उसने एक एक्सेलरेटर देना और हम लोगों ने दिखना नहीं। वाह वाह यार, उसके बाद हमारा बिना टोल कटे हम लोग क्रॉस करके आगे की जर्नी स्टार्ट करें। आज इतना घुर घुर हो रहा है ना भाई साहब रोड के ऊपर हमारी वजह से, कितना घुर 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 हो रहा है ये सारा शोर हमारा, ये जितने भी स्कूटी और बाइकों की आवाज़ आ रही है। वाह यार ओए ओए टोल प्लाजा, वेलकम टू टोल प्लाजा गो, आगे फाटक लगा रखा है लिखा हुआ है गो, कहाँ से जाएं फाटक तोड़ दे वरना बड़े भगाते साइड सूट मार के, आज ना भगा पाए तू भाई। आज देख रहे हो कितनी मत्थी मत्थी सी स्पीड में चल रही है, यहाँ मैं 40 पे चल रहा हूँ और वो देखो 50 से ऊपर वो खींच नहीं सकता क्योंकि पता है आगे अगर वो खींचेगा तो कुछ नज़र नहीं आएगा। देखो कितना दबा के खींचने की कोशिश कर रहा है, वो साइड नहीं दे रहा उसको।
वाह, आ गया ना अपनी स्पीड पे धीरे धीरे। हाँ 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 भाई, ग्लव्स पहने और हाथ ऐसे सुन्न हो गए ना मेरे, मजाक से अटके कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हाथ चल तो चल कैसे रहे हैं मेरे। मैं बादलों में आ गया हूँ, सच्ची लग रहा है यार, मैं जैसे किसी बादलों के अंदर चल रहा हूँ। वाह यार वाह, ट्रक के आगे कुछ नहीं दिख रहा, नहीं बिल्कुल डेंजरस वाला हाल है। अगर अकेला बंदा चल रहा है तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। हम तो ग्रुप में चल रहे हैं तो हमें पता है कि हमें आगे का, सबसे आगे का विजिबिलिटी मिलती हुई चल रही है, कितने राइडर आगे चल रहे हैं तो आइडिया लग पा रहा है। 45 की स्पीड से आज हम लोग राइड को अपनी कवर कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो यार, जैसे ही मिलते हैं हम आगे अपनी लोकेशन पर, कोशिश करूँगा या तो आगे अपनी लोकेशन पर ही मिलूँ या तो बीच में कुछ आपको दिखाने लायक मिलेगा इससे ज़्यादा तो आप लोगों को फिर मिलता हूँ। सो यार, कैमरा जो था ब्लर हो चुका था पूरा का पूरा फॉग की वजह से, अब उसको क्लियर किया है और अब ये देखो कितनी अच्छी विजिबिलिटी आप लोगों को दिख पा रही है राइट नाउ। पूरा पानी 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 बबल बन चुके थे बिल्कुल डॉट 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 डॉट, और अब आप देखो ये देखो कितना, ये गाड़ी गायब, 2 सेकंड बाद ही गाड़ी गायब है, देखो बिल्कुल गायब हो गई। छू मंतर मैजिक हो रहा है, वाह बढ़िया यार। तो भैया बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है राइट नाउ के लिए, बहुत धीरे धीरे कवर कर रहे हैं रास्ता, ज़्यादा स्पीड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए निकलते हैं हम यहाँ से और कोशिश करूँगा कि वहीं जाकर के मिलूँ, क्योंकि कैमरा बार बार ब्लर हो जा रहा है ना, क्योंकि बोला भी नहीं जा रहा ठंड के कारण, आप लोग देख पा रहे होंगे कैमरा जल्दी जल्दी ब्लर हो रहा है फॉग की वजह से। चलिए, और उसके बाद हम अपनी पहुँच जाएंगे हाईवे मसाला किंग पर। तो भाई बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाली राइड हो रही है ये, इसके लिए एक लाइक तो बनता भाई, आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आ रहे हैं इतनी धुंध के अंदर, इतनी सर्दी में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। चलिए यार, पहुँचते हैं लोकेशन के ऊपर और मिलते हैं आप लोगों से आगे अपनी लोकेशन पर। चलिए, सो गाइस मेरे को गोप्रो उतारना पड़ेगा राइट नाउ के लिए, बिकॉज क्या है इसके ऊपर पानी भर रहा है और ये वाटर प्रूफिंग नहीं है, क्योंकि इसका जो बैटरी का कवर है वो मैंने नहीं लगा रखा है, और अगर इसमें पानी चला गया तो भैया नुकसान हो जाएगा, पूरा गोप्रो जो है बिल्कुल गीला हो चुका है। मैं आपको अभी फ़ोन से शूट करके दिखाता हूँ, पूरा का पूरा गीला हुआ पड़ा है, गीला होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता ख़राब हो जाए। इसको अभी के लिए यहीं पर ही रख रहे हैं पैक करके, वहीं जा करके मैं आप लोगों का वीडियो दिखाऊँगा। पूरी स्कूटी आगे से गीली हो रखी है, देखो भाई साहब चेक करो कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है मेरे वाइज़र के ऊपर, और ये स्कूटी ऐसे लग रहा है जैसे बारिश में होके आई है। और मैं अपनी शक्ल दिखाऊं अभी कि नहीं दिखाऊं, शक्ल देख लो भाई मेरी किस तरीके की हो चुकी है। ओए होए होए होए, शॉट शॉट मामला शॉट हो गया भाई साहब। और अभी के लिए ये रुमाल यूज़ करना पड़ रहा है, ये हालत देखो क्या हो रखी है मेरी यार, गदर वाली हालत हो रखी है। फटाफट से अंदर चलते हैं और आप लोगों को दोबारा से मिलते हैं। अभी ज़्यादा है। सो गाइस चेक करो कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है, वाइट वाइट पूरा एरिया हमें देखने को मिल रहा है, उतने वाइट दिख रहे हैं मुझे तो। ओके बोर्ड अब दिखना शुरू हुआ, हाईवे मसाला किंग का होटल, हाईवे मसाला किंग धीरे धीरे विजिबल होता जा रहा है, अब धीरे धीरे विजिबल होते होते हम लोग ट्रांसपेरेंसी से देख पा रहे हैं, नहीं तो ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। सो फाइनली सारे हेलमेट्स के लाइन लग चुकी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिटिंग एरिया होगा हमारा। कुछ इस तरीके के हाल हो रखे हैं यहाँ, थोड़ा सा भाई सांस ली जा रही है, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी कि भैया ठंड के मारे तो कपकपी और प्लस हालत ही ख़राब, सरवर सब दर्द हो रहे थे, हाथ सुन पड़े हुए अभी भी। और फटाफट से हम लोग कुछ मंगवाते हैं चाय चुए, क्योंकि बिना चाय के तो यहाँ पर बैठ पाना भाई बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो पा रहा है। फाइनली चाय आ चुकी है, और चाय पीने के बाद हम लोग वापस बाहर की तरफ जाएंगे, अभी खाना भी आने वाला है, खाना भी ब्रेकफास्ट आएगा, ब्रेकफास्ट खाएंगे चाय पियेंगे फिर एंजॉय करेंगे, वही वीडियो के साथ बने रहना, सारे हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद पराठा जो है आ चुका है, और जहाँ भी आ चुका है सबके पराठे आ चुके हैं, खाते हैं
और उसके बाद आप लोगों से मचाते हैं। बाय बाय। बाहर आ चुके हैं हम लोग और ये लाइन अप हमारा अगेन लग चुका है। ठंड का मौसम और बाहर जा के भाई चिल्ड हो जाता एकदम मौसम, सर ऐसे दर्द होने लग गया दोबारा से। कैप ऐप मैं लेकर के नहीं आया हूँ। भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट देने का कर्तव्य जो है वो मेरा है और आप लोगों को एंटरटेन करना वो भी काम मेरा है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सेफ राइड करें, अच्छे से राइड करें, खुश रहें। बाय बाय।